उत्तराखंड के भीमताल के कई इलाकों में इन दिनों बाघ और गुलदार का आतंक है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में 3 दिन में एक बाघ ने 2 महिलाओं को मार डाला है। ग्राम पंचायत पिनरो के तोकडोब गांव में बाघ के हमले से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव वालों में काफी गुस्सा देखा गया। स्थानीय विधायक राम सिंह केड़ा और इलाके के लोग वन विभाग से बाघ को आदमखोर घोषित करने की लगातार मांग कर रहे थे। गाँव वालों के गुस्से को देखते हुए डीएम ने इलाके के स्कूल तक बंद करा दिए। वन विभाग का कहना है कि बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा ट्रैप के साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं। वहीं गांव वालों ने बताया कि भीमताल ग्राम पंचायत पिनरो के तोक सलियुड़ा में एक बाघ घूमता हुआ देखा गया, जिसके बाद गांव वालों ने शोर मचाया और बाघ के दिखने की सूचना वन विभाग को दी। लेकिन जब तक वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंचती तब तक बाघ भाग चुका था। बाघ के हमले के बाद से लोगों में दहशत भी है और गुस्सा भी। गाँव वालों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही उन पर भारी पड़ती जा रही है। उन्होंने बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग की। वहीं गांव वालों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए डीएम वंदना सिंह ने एहतियातन सुरक्षा के नजरिए से आसपास के छात्रों के स्कूलों को बंद रखने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। वहीं अब खबर आ रही कि भीमताल ब्लॉक के गांव में लोगों के लिए खतरा बने इस गुलदार को मारने तक की परमिशन दे दी गई है। पिंडरों के डोब गांव के साथ साथ 5 अन्य गांव में वन विभाग की टीम समूह बनाकर गश्त कर रही है। हर एक समूह में एक बंदूकधारी तैनात किया गया है। हालांकि अब तक बाघ और गुलदार को लेकर असमंजस बना हुआ है। बीते 4 दिनों में गुलदार ने 3 लोगों पर हमला किया है, जिसमें मलुआताल की इंदिरा बेलवाल और पिंडरों की पुष्पा देवी की मौत हो गई। तब से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।